उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही। दरअसल चलती ट्रेन में महिला कांस्टेबल से छेड़खानी करने और जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी अनीस को पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर में अनीस के दो साथी आजाद और विशंभर दयाल भी घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि तीनों आरोपियों ने ट्रेन में महिला कांस्टेबल से छेड़खानी की थी और महिला कांस्टेबल के विरोध करने पर आरोपियों ने महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया था। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ आरोपी एनकाउंटर में ढेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूँ साक्षी शर्मा आपके साथ। दरअसल 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में सीट के नीचे महिला कांस्टेबल लहूलुहान हालत में पाई गई थी। उसके कपड़े अस्वस्थ थे और नाक व सिर से खून रिस रहा था। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते लखनऊ KGMU रेफर कर दिया गया। जैसे ही यह खबर फैली तो बवाल मच गया। महिला कांस्टेबल संग हुई इस बर्बर वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने 3 सितंबर की रात को अपने घर पर एक विशेष अदालत बिठाई और ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ हुई दरिंदगी को लेकर राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया था। महिला कांस्टेबल के होश में आने पर उसने अफसरों को हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उस पर 2 से 3 लोगों ने हमला किया था। फिलहाल महिला कांस्टेबल का इलाज चल रहा है। इसी के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मनकापुर और अयोध्या रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी में एक साथ नजर आ रहे 2 संदिग्धों को चिन्हित किया। साथ ही आरोपियों की जानकारी देने पर 1,00,000 रुपए का इनाम की घोषणा की। आपको बता दें कि एसटीएफ को आरोपी के बारे में इनपुट मिला था कि वो इनायत नगर में छुपे हुए हैं। घेराबंदी होने पर आरोपी अनीश विशंभर और आजाद ने पुलिस वालों पर गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें विशंभर और आजाद घायल हो गए, जबकि अनीश भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी की और अनीश को पूरा कलंदर इलाके में घेर लिया। इस दौरान पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, मगर अनीश ने पुलिस की टीम पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में अनीश घायल हो गया। बाद में अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर रतन शर्मा और 2 सिपाही भी घायल हो गए। फिलहाल के लिए इतना ही।